स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे अमित शाह जी की कुंडली के बारे में। अमित शाह जी के राजनीतिक भविष्य पर मैंने एक वीडियो बनाया था जुलाई या जून 2021 के आसपास। वो वीडियो अभी भी चैनल पे मेरे पड़ा हुआ है और उस वीडियो में मैंने जो बातें कही थी उन बातों को आप लोगों को एक बार सुनना चाहिए, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमित शाह जी का राजनीतिक भविष्य लिखा हुआ होगा उस लिंक के ऊपर। एक लाइन में बताता हूं कि उस वक्त मैंने अमित शाह जी के बारे में जो फलादेश किया था कि इनकी गुरु की यानी बृहस्पति की महादशा चल रही है और ये बृहस्पति की महादशा इनके लिए फेवरेबल नहीं है और समय इनका इस वक्त अच्छा नहीं है। इस वक्त ये जो भी कोशिश करेंगे उसमें ही कुछ ना कुछ इनको नुकसान होगा और सफलता उतनी नहीं मिल पाएगी। इसका स्पष्ट उदाहरण आपके सामने महाराष्ट्र का पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में जो ऑपरेशन लोटस इन्होंने किया था, अब ये बात तो सबको मालूम है कि इस तरह के ऑपरेशन कौन करता है, अमित शाह जी ही करते हैं। तो ऑपरेशन लोटस जो महाराष्ट्र में इन्होंने किया था वो सफल एक्चुअली नहीं हुआ। अभी तक महाराष्ट्र की स्थिति आप देख लीजिए, ना कैबिनेट ठीक तरह से गठित हुई है, ना मंत्री पद मिले हैं, और जब से एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया है तब से महाराष्ट्र में एक उतार चढ़ाव, रोज एक नई कहानी, रोज एक नई कॉन्स्पिरेसी खुलकर निकलकर सामने आती है और महाराष्ट्र स्टेबल नहीं है। सच कहें तो महाराष्ट्र सरकार गिराना इनके गले की हड्डी बन गया, अमित शाह जी के, भाजपा के। तो बृहस्पति की महादशा इनकी जो चल रही है वो इनके लिए फेवर में नहीं है। मैं आपको उनकी कुंडली पर लिए चलता हूं और वहीं से बताता हूं कि क्या स्थिति इनके लिए इस वक्त है। ये अमित शाह जी की कुंडली है आपके सामने, और उनका जो डाटा मुझे मिला है 22 अक्टूबर 1964 बृहस्पतिवार सुबह 5:25 मुंबई महाराष्ट्र। अमित शाह जी की कुंडली की स्थिति ये है, कन्या लग्न है उनकी और मेष राशि। मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट दो चार बातें आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए समझ लीजिए। सितंबर 2021 से गुरुदेव बृहस्पति की महादशा इनकी शुरू हुई है और 18 नवंबर 2023 से गुरु में शनि की अंतर्दशा शुरू होने वाली है जो 1 जून 2026 तक चले, यानी शनि की अंतर्दशा के दौरान लोकसभा चुनाव भी होगा। अब स्थिति आप देख सकते हैं, यहां मैं दिखाता हूं आपको, गुरुदेव बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है 4 7 8 और 1 12 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, यानी यहां स्थिति को आप समझे अगर, तो गुरु की महादशा चल रही है, गुरु सप्तमेश है, गुरु चतुर्थेश है और चलित में गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं, और गुरुदेव बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में है और गुरु वक्री भी हैं। सूर्य यहाँ नीच के हैं दूसरे भाव में, चलित में प्रथम भाव में है। तो 1 12 का कॉम्बिनेशन तो ये हो गया, सूर्य द्वादशेश है और चलित में प्रथम भाव में है, और गुरुदेव बृहस्पति 4 7 और 8, ये कॉम्बिनेशन यहाँ आपको दिख रहा होगा, गुरु 4 7 8 1 12। तो जाहिर है अष्टम में महादशा नाथ का चलित में चले जाना और द्वादशेश के नक्षत्र में होना, 8 12 का कॉम्बिनेशन सीधे सीधे दिख रहा है कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो चल रही महादशा का संबंध अष्टम से और अपने नक्षत्र के माध्यम से द्वादश से बना हुआ है, तो ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि ये महादशा अच्छी नहीं है इनके लिए। 8 12 का कॉम्बिनेशन अगर किसी दशा अंतरदशा में बन जाए या महादशा में बन जाए तो वो समय अच्छा नहीं होता। लेकिन इस वक्त अमित शाह जी के लिए अच्छी खबर ये है कि शनि की अंतरदशा उनकी शुरू हो रही है। शनि की अंतरदशा पहले यही देख लीजिए आप, शनि पंचम में स्ट्रांग है, छठे भाव के लॉर्ड भी हैं क्योंकि कन्या लग्न है इनकी, और 3 8 11 का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है।
उदाहरण के लिए एक चीज और दिखा दूं, राहु नवम में है और राहु का कॉम्बिनेशन भी 3, 8, 11 से बन रहा था, तो राहु की महादशा में इनको सफलता मिली ये बिल्कुल सामने दिख रहा है। राहु की महादशा इनकी शुरू हुई थी सितंबर 2003 से और 2021 तक राहु की महादशा चली थी। राहु की महादशा में गुजरात के होम मिनिस्टर भी बने, अभी देश के होम मिनिस्टर भी हैं। नवंबर 2023, 18 नवंबर 2023 यहां दिख रहा है, अब 2-4 दिन इधर उधर हो जाता है। नवंबर 2023 से जून 2026 तक अमित शाह जी का समय फिर अच्छा आ रहा है और इनके सफलता का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। शनि की अंतर्दशा को एक बार ग्रह अवस्था में देख लें तो शनि जागृत, बाल, मुदित यानी खुश, स्वस्थ, अवस्था 10 में भी स्वस्थ, यानी शनि की जो स्थिति है अच्छी है ग्रह अवस्था में भी। तो शनि की अंतर्दशा इनके लिए नवंबर 2023 से अच्छी आती दिख रही। तो अमित शाह जी की कुंडली आपके सामने रखकर मैंने आकलन कर दिया आपके सामने कि गुरु की महादशा जो उनकी शुरू हुई थी सितंबर 2021 से, वो उनके लिए लाभकारी नहीं है। लेकिन अभी गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा शुरू होने वाली है नवंबर 2023 से, जो जून 2026 तक अच्छी जाएगी। तो शनि की अंतर्दशा में अमित शाह जी के प्रोग्रेस का समय फिर सामने आता दिख रहा है। हालांकि महादशा नाथ समर्थन में नहीं है, और महादशा नाथ समर्थन में ना हो तो अंतर्दशा में भी फिर कुछ फलों में कमी रह जाती है, लेकिन फिर भी अंतर्दशा अगर अच्छा फल देना चाहती है तो अच्छा फल मिलता भी है। तो अमित शाह जी के क्षेत्र में देखते हैं आने वाले समय में क्या अच्छा फल इनको मिलता है। तो अमित शाह जी के जो समर्थक हैं, भाजपा के जो समर्थक हैं, इस वीडियो से जरूर खुश होंगे और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मैं ज्योतिषी आकलन करता हूं बिना किसी का पक्ष लिए हुए। मुझे जो दिखता है वो मैं आप लोगों तक लाने की कोशिश करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र की जो सच्चाई है, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो हमें बोलना चाहिए, जिस तरीके से बोलना चाहिए, वो डेकोरम मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। पक्ष विपक्ष मैं किसी का नहीं लेता। ऐसा नहीं कि अगर मैं किसी के खिलाफ जाकर सब कुछ अच्छा बोलूं और किसी का अच्छा भी है तो उसको बुरा बोलूं और किसी का बुरा है तो उसको अच्छा बोलूं, ये तरीका मैं नहीं अपनाता। कुंडली जैसी है जिसकी है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और मिलते हैं अगले वीडियो में 2024 के परिप्रेक्ष्य में, और क्या क्या छुपा हुआ है वो सब मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। अगला वीडियो होगा 2024 में या अगली लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के योग किसके किसके दिख रहे हैं। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।